चीज़ें गलत 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 चीज़ें बोली गई है, कुछ यूट्यूबर्स है जो भी है, मैं उनसे भी तो एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, और जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, ये शायद उनका होगा कि घर चलाने के लिए वीडियोस बनाना, किसी आर्टिस्ट के ऊपर, दुनिया में एक ही इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, और अंदर की बातें मैं भी समझ सकती हूँ, सो मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूँगी, शायद आप लोग का इन सब चीज़ों से घर चलता होगा, बट मेरा मेहनत से मैं अपना घर चलाना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ इन फ्यूचर भी और अभी भी, सो इन सब चीज़ों से मुझे अब कोई मतलब नहीं है, सो प्लीज़ गाइज मुझे ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आ रहे हैं, बट पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अब मैं इन सब चीज़ों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज एक ही बात मैं हर जगह नहीं दोहरा सकती हूँ, जो बातें थी मैंने सच बता दी है, उसके ऊपर कोई यकीन करे ना करे, जो करते हैं वो करते हैं, नहीं करते वो नहीं करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिसकी जिसकी बातें हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सच क्या है, सो जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, ना कभी मिली हूँ ना कभी हाय हेलो हुआ है, वो अगर टिप्पणियाँ देते हैं अगर किसी के रिलेशन में या किसी के बातों में किसी की चीज़ों में, तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी मायने नहीं देती हूँ, आप लोग बोलते रहिए, बिकॉज़ शायद इसी से आप लोग फेम पाना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, अश्लील बातें करके, अश्लील वीडियोज़ बना के, गाली गलौज और सारी चीज़ें करके, और गाने के थ्रू या ऐसे वीडियोज़, और न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जैसे सब लोगों ने ऐसे जो बनाया है डैश न्यूज़, दिस न्यूज़, ABCD न्यूज़, जो भी वगैरह वगैरह जो भी है न्यूज़, जितने भी चैनल्स हैं, तो न्यूज़ में जो न्यूज़ होती है वो सिख की भी न्यूज़ होती है, उसमें सिर्फ लड़कियों की इज्जत उतारने की ही न्यूज़ नहीं होती है, तो शायद आप लोग ये जो न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं, कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो प्रोफेशनल न्यूज़ वाले नहीं हैं मीडिया वाले, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं वो शायद आप लोग अपना घर चलाने के लिए चला रहे हैं, लेकिन किसी की इज्जत उतार के, किसी को गाली गलौज करवा के, किसी का मतलब इस तरह से करके अश्लील चीज़ें फैला के, मुझे नहीं लगता कि ये पैसा किसी को भी रास आता है और ना ही आएगा लाइफ में कभी, बिकॉज मैंने इतना ज़रूर देखा है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत का पैसा होता है वो हमेशा फलता है, और जो आप लोग जिस तरह से पैसा ये कमाने की आप लोग जो आपकी ये चीज़ें चल रही हैं वो शायद ही ना हो, सो मेरे जितने भी फैंस हैं मैं पर्सनली उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीज़ों को भूलिए, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो।